हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पेरोल को लेकर के है। टैली के अंदर अगर आप नई कंपनी बना रखी है आपने और आप पेरोल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक्टिवेशन कैसे होगा, और दूसरी चीज ये कि अगर आपने एक्टिवेशन कर दिया है तो पेरोल की एंट्रीज कैसे पास करेंगे हम, ठीक है। तो पेरोल देखिए क्या होता है, बेसिकली सैलरी शीट बनाने के लिए यूज किया जाता है पेरोल का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सैलरी स्लिप कैसे बनाएंगे हम पेरोल का यूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर F11 की प्रेस करनी है। देखिए कंपनी नई है, यहाँ पर F11 कंपनी का जो भी नाम है उस कंपनी को सेलेक्ट करके आइएगा यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है पेरोल ऑप्शन। अब ये टैली प्राइम है, ERP9 होगा तो थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन काम ऐसे ही करना है उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन पेरोल दिया गया, इसको यस कर लीजिएगा, और नीचे दिया गया इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसको भी यस कर लीजिएगा। जैसे ही यस करते हैं तो यहां पर आपसे पूछता है कंपनी का कोड, तो ये हमारे कंपनी का कोड है। अकाउंट ग्रुप कोड जो है वो यहां पे डाल दिया हमने, सिक्योरिटी कोड यहां पे डाल दिया, और फिर इसे तरीके से करते हुए नीचे आना है, और यहां पर आपको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर डालना है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं, ये टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है हमारा, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी आप इसे एंटर करते हैं तो आपको ये सजेस्ट करता है कि फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि इसमें चार जो है अल्फाबेट, पांच अल्फाबेट एक्चुअली होंगे और पांच नंबर होंगे, और उनका फॉर्मेट भी साइड में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मेट में आपको चलना है। तो सबसे पहले तो चार अल्फाबेट रखना है, तो यहाँ पर चार अल्फाबेट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से चार नंबर होंगे, तो ये चार नंबर हो गए, और फिर यहाँ पर एक अल्फाबेट आएगा, और फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, तो ये चार जो है अल्फाबेट हो गए और चार नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये चार नंबर हो गए और एक और अल्फाबेट आएगा, तो ये डाल दिया हमने, चार अल्फाबेट पांच नंबर है यार, तो ये चार अल्फाबेट हो गए और यहाँ पर पांच नंबर होते हैं और फिर एक अल्फाबेट होता है, तो ये हो गया। बाकी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी रहता हो वो डाल दीजिएगा, और एंटर करते हुए आ जाइए। यहाँ पर डिडक्टिव टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या अदर है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं गवर्नमेंट रखता हूँ, एंटर करता हूँ, सन नेम, डॉटर नेम, रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम और उनका पैन कार्ड आईडी वगैरह ये सब डाल दीजिएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब हमें कुछ फंड चाहिए कंपनी में, तभी तो हम सैलरी पर या किसी भी चीज पर जो है पेरोल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले तो रिसीव कराएंगे फंड, तो F6 जो है रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है, यहाँ पर आकर के, और सबसे पहले तो कंपनी में लगाए जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर लीजिएगा, और ये कैपिटल अकाउंट करते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है जो भी आपका अमाउंट है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी अमाउंट आप कंपनी में लगा रहे हैं कैश में वो यहाँ पे डालते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब बारी है पेरोल में जाने की, तो पेरोल में कैसे जाएंगे, तो पेरोल में जाने के लिए सबसे पहले F10 प्रेस कीजिए, और F10 प्रेस करके नीचे आपको मिलेगा ये पेरोल, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं सीधा। लेकिन फिलहाल हमें अटेंडेंस बनानी है, ठीक है, एम्प्लॉय जो भी होंगे उनकी अटेंडेंस बनानी है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय की लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है अमन सिंह, तो ये हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दे दिया, एंटर किया। ये प्राइमरी, यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं आप चाहे, तो फिलहाल हम प्राइमरी रखते हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल को इनकी ज्वाइनिंग हुई मान लीजिए, 1 अप्रैल 2023 करते हैं, 23 ही मान लीजिए है, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है, यस कर दीजिए। पेहेड्स बनाने होंगे, तो यहाँ पर अब पेहेड बनाते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहला पेहेड होता है बेसिक सैलरी। देखिए बेसिक सैलरी का जो ग्रुप होता है ना वो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन अटेंडेंस के आधार पर ये तय होता है। तो यहाँ पर हम अटेंडेंस टाइप बनाएंगे, तो और एंटर किया, और यहाँ पर लीव विदाउट पे रहेगा, यानी कि अगर आप एबसेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सैलरी कटेगी, ठीक है, और डेज के हिसाब से कटेगी, और ये हमने दे दिया है। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ एबसेंट कर देंगे, और ये जो है सैलरी मिलेगी मंथ्स के हिसाब से, और यहाँ पर यूजर डिफाइंड कैलेंडर पीरियड और अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो हम यहाँ पर ये रख करके और इसे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, तो जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी है 15,000, ठीक है, तो ये 15,000 यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरा पेहेड बनाना होगा, तो दूसरा हमारा पेहेड है TA, तो ये कर दिया TA, एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर आएंगे, तो ये भी अर्निंग ही एक तरह से होती है, और ये फिक्स रख सकते हैं या वेरिएबल भी कर सकते हैं, तो चलिए इस बार फिक्स ही रखते हैं, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आती है,
तो यहां पे ये करके आगे बढ़िएगा और यहां पर जो है ऑन प्रोडक्शन रखेंगे, फ्लैट रेट रखेंगे, क्या रखना है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कंप्यूटेड वैल्यू कर लेते हैं, तो कंप्यूटेड वैल्यू कर दिया यहां पे और एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे, ठीक है। और यहां पर आने के बाद स्पेसिफाइड फार्मूला के तहत हम जाएंगे और यहां पर आएंगे, तो अब देखिए यहां पर अमाउंट अगर 15,000 तक है, ठीक है, 15,000 तक है, तो कितना परसेंट, 15,000 का 2% जो है टीए मिलेगा, ठीक है, 15,000 का 2%, और अगर इससे ज्यादा है तो 2.5% मिलेगा, चाहे जितना भी ज्यादा हो, क्योंकि यहां पर हमने कुछ फिल नहीं किया, देख सकते हैं यहां पर कुछ फिल नहीं किया, तो इसका मतलब चाहे जितना ज्यादा हो 2.5% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डीए भी कर सकते हैं आप, तो डीएनएस अलाउंस जो भी है, तो यहां पर एंटर करिए, ये भी फिक्स रख देते हैं, और यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख करके एंटर करके और यहां पर आते हैं, तो अभी यहां पे डीए भी हम फ्लैट रेट रखेंगे, ठीक है, और ये मिलेगा मंथ्स के हिसाब से, और यहां पर नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो कितना डीए मिल रहा है वो यहां पे हमें डालना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1200 रुपए डीए मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया, और भी कोई चीज इसमें डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, एंटर करते हैं। हालांकि आप पीएफ वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर आएगा, डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन ये क्या है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्समैन, ठीक है, एंटर करेंगे। फंक्शन क्या है, सेल्स का फंक्शन है, एंटर करेंगे। लोकेशन क्या है, देवरिया की लोकेशन है, ठीक है, एंटर करेंगे। जेंडर क्या है, मेल है, ठीक है, अमन सिंह, एंटर किया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी और मदर नेम और तमाम चीजें इसमें डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे इनका पैन आईडी आएगा, तो जो भी इनका पैन नंबर हो वो यहाँ पे डाल करके एंटर करिएगा, और आधार नंबर भी इनका डाल सकते हैं, और बाकी यूएन नंबर होता है, यूएन नंबर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हो गया। अब ये एबसेंट कितने दिन रहे वो डिटेल यहाँ पे, तो 6 दिन एबसेंट रहे, तो 6 दिन की सैलरी कटेगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा जो है और कोई तो है नहीं इसमें, तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है, और एंड ऑफ लिस्ट करके ये एंटर करेंगे, तो ये हमारा जो है अटेंडेंस बन जाएगा, और अटेंडेंस बन जाने के बाद यहाँ पर पेरोल में आएंगे, तो वी बटन प्रेस करेंगे, और देखिए नीचे आपको पेरोल मिल जाता है, ये अदर वाउचर में जाएंगे तो ये पेरोल मिलेगा, और एंटर कर दीजिएगा यहाँ पर आकर के। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कैश रख लेना है, ठीक है, कैश तो हमारे पास ही है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें ऑटोफिल करनी है, ऑटोफिल यानी कि ये खुद से फिल कर देगा यहाँ पे सारी डिटेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो ये ऑटोफिल फीचर नजर आता है, यहाँ पे जाइएगा पेरोल ऑटोफिल पे आइएगा, ठीक है। और चूंकि हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सैलरी होगी। अब चूंकि ये है एजुकेशनल मोड, तो एजुकेशनल मोड में 1 तारीख, 2 तारीख या 30-31 में काम कर सकते हैं, लेकिन 30 वाली डेट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, 31 वाली ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/5 कर देते हैं, यानी 1/5 को इनको सैलरी प्रोवाइड हुई, ठीक है। और यहाँ पर ये अमन सिंह की सैलरी है, तो यहाँ पे अमन सिंह आएगा, और यहाँ पे कैश में सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं ये सैलरी का ग्राफ है, 6 दिन एब्सेंट हुए वो भी इसमें काउंट हुआ है, ठीक है। अब इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, ये आपकी सैलरी स्लिप बन जाएगी। अब सैलरी स्लिप बनी है कि नहीं बनी है ये भी तो पता करना होगा, तो इसके लिए आप पहले बाहर आइए, बाहर आने के लिए स्केप बटन, ये बाहर आ गए, और फिर यहां से आइए, तो ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के लिए डी प्रेस कीजिए, और फिर कहाँ चलना है, तो यहाँ पर आपको पेरोल रिपोर्ट नीचे नजर आ जाता है, तो बस पेरोल रिपोर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ पर हमें पे स्लिप देखनी है इनकी, ठीक है, देखनी है, तो पे स्लिप के लिए यहाँ पे आएंगे, और किसकी पे स्लिप है, अमन सिंह की है, तो यहाँ पे अमन सिंह की पे स्लिप आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और इस तरीके से ये हो जाएगा, और इसमें सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहे, कई बार ये भी कहा जाता है कि सर इसे एक्सेल शीट में कैसे लेके आए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा ना और एंटर करिएगा, तो आप एक्सेल शीट में भी इसे कर पाइएगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो फाइल फॉर्मेट पे जाएंगे, और क्योंकि हमें चाहिए एक्सेल का फॉर्मेट, तो ये एक्सेल फॉर्मेट कर देंगे, एंटर करेंगे, और फिर यहाँ से सेंड करेंगे, तो सेंड करेंगे तो अब ये एक्सेल में ओपन होगा, जो आपकी पेस्लिप ओपन होगी वो एक्सेल में ओपन होगी, तो देख सकते हैं ये एक्सेल में ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।